हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस बी एन एजुकेशन जोन में आज के आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पी जी टी होम साइंस का पाठ्यक्रम जो विद्यार्थी टी जी टी पी जी टी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय में मिलती रहे तो चलिए देखते हैं हमें पीजीटी होम साइंस के सिलेबस में क्या क्या आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और किस पे आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है तो हमारे इस पाठ्यक्रम में पीजीटी होम साइंस का जो पाठ्यक्रम है उसका जो कोड है वो ट्वेंटी है यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन ट्वेंटी है इसमें पहली जो यूनिट है आपका वो है शारीरिक संरचना शारीरिक संरचना के अंतर्गत आप लोग को जो पढ़नी है शारीरिक संरचना विज्ञान में शारीरिक संरचना विज्ञान का परिचय एक कोशिका की संरचना एवं संगठन यानी कि इसके अंतर्गत आपको शरीर की जो संरचना है आपका वो उसके बारे में जानना है उसके अंतर्गत जो हमारे सेल्स क्योंकि हमारी बॉडी पूरी जो होती है हमारी छोटी छोटी कोशिका सबसे सबसे छोटी यूनिट जो होती है कोशिका होती है सेल्स उससे बना हुआ है तो उसके संगठन के बारे में पढ़ना है जीव द्रव के की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है आपको क्या है तंतु का विकास इतिहास शरीर में उनका वितरण इन सब के बारे में पढ़ना है खून एवं पंच पंछा यानी लिम्फ के बारे में दिल और संरचना दिल और उसकी संरचना के बारे में रक्त का जमना रक्त निर्माण एवं विघटन नशे और धमनी दबाव श्वसन तंत्र की संरचना श्वसन तंत्र की संरचना यानी कि आपको श्वसन के बारे श्वसन तंत्र के बारे में भी पूरी आपको इस पाठ्यक्रम के अंदर प, पढ़ना पड़ेगा कि श्वसन तंत्र क्या है उसकी संरचना क्या है श्वसन तंत्र के कार्य प्रणाली क्या है फेफड़े और तंतों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है अम्ल आधारित संतुलन क्या है श्वसन तंत्र का सिरा एवं रासायनिक नियंत्रण अनफिक्सिया कृत्रिम श्वसन इन सब के बारे में आपको श्वसन तंत्र के अंतर्गत पढ़ना है फिर अगला इसी में आपको पढ़ना है पाचन तंत्र पाचन तंत्र में आपको क्या क्या पढ़ना है पाचन तंत्र की समान संरचना यानी कि पाचन तंत्र जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है और वो किस हमारे ग्रह नल, ग्रास नली से होते हुए हमारे शरीर के जिन जिन अंगों तक पहुँचता है वहाँ पर उसका किस तरीके से उसका समान तरीके से विघटन होता है और किस तरह से उसका पाचन इन सब चीज़ों को आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है इसमें आपको पेट छोटी आँत यकृत और पेनिक्रियाज की बनावट का विस्तृत अध्ययन इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा आहार नली की गतिविधि रिसाव की प्रक्रिया पाचन एंजाइम के कार गुर्दा द्वारा मूत्र निस्तरण मूत्र का निर्माण और उसकी संरचना ये सारी चीजें आपको पाचन तंत्र के अंतर्गत ही पढ़ने हैं फिर इसी में आपको पढ़ना है त्वचा त्वचा में मांसपेशियों की बनावट मांसपेशियों के खिंचाव के दौरान भौतिक और रासायनिक परिवर्तन नाड़ी तंत्र नारी तंत्र भी पढ़ना है आपको नारी तंत्र में आपको पढ़ना है परि परिवर्तित कार्य संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण की समान प्रक्रिया विशेष रूप से दृश्य और श्रोव के संबंध में इंडोटिनोलॉजी हार्मोन्स निष्करण के सिद्धांत विकास जायपाच और पुनरुत्पादन में हार्मोन्स का नियंत्रण पुनरुत्पादन में आपको स्त्री और पुरुष के प्रजनन अंगों की बनावट समान बनावट जो है उसके बारे में पढ़ना है पुरवेटी स्त्री और पुरुष के हार्मोन्स की क्रिया बच्चेदानी गर्भाशय का विकास और उसकी प्रक्रिया संचेतना फर्टिलाइजेशन यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसके अंदर आपको पढ़ना है फिर गर्भाशय गर्भधारण तथा उनके विविध अवयवों के कार्य विभिन्न रोगों से शरीर का बचाव अब इसमें आपको रोगों के बारे में भी पढ़ना है शरीर जो हमारे जिन रोगों से ग्रसित होते हैं या गर्भाशय के समय किन रोगों का जो है होने की संभावना होती है किस चीज़ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन सब के बारे में भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है उस लेकिन शरीर का बचाव इन रोगों से उनका बचाव कैसे कर सकते संक्रमण की अव्यवस्थिति सृजन प्रतिरोधन सैनिटाइजेशन एवं एंटीबॉडीज़ इन सब के बारे में आपको शरीर संरचना के अंतर्गत पढ़ना है नेक्स्ट यूनिट जो आपकी है वो है स्वास्थ्य स्वास्थ्य के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है उस पढ़ना है निवारक औषधि और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन के बारे में वायु एवं हवा की संरचना श्वसन क्रिया धुआं धूल जीवाणु आदि के कारण वायुमंडल में परिवर्तन वायु में अशुद्धियां अशुद्धियां अशुद्धता का कारण रोग वातायन का अर्थ रोगी एवं स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक वायु प्रकृति के कृत्रिम वातियान और वायु का शुद्धिकरण कैसे किया जा किया जा सकता है ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है गृह की स्वच्छता जल निकास एवं स्वच्छता अपशिष्ट का निष्पादन संरक्षण जल वाहन तंत्र ढालिया जल का निष्पादन सेफ्टी टैंक एवं सीवर जल संरचना विशेषता विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यक जल स्रोत एवं भंडारण अशुद्धियाँ एवं उनका शुद्धिकरण स्वास्थ्य व्यायाम का शरीर के विभिन्न तंत्रों पर प्रभाव संक्रमण के स्रोत एवं माध्यम संक्रमण जो संक्रमण जो हमारे होते हैं वो उनका क्या क्या स्रोत हैं किस तरीके से संक्रमण हो सकता है जल से वायु से या और जो इसके मीडियम हैं भोजन से इन सब के बारे में आपको इनसे पढ़ना है माध्यम उसके स्रोत माध, के साथ माध्यम संक्रमण के संचरण के प्रकार भोजन एवं पौषिकता सामुदायिक पौषिकता मातृ एवं शिशु की पौषिकता ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ना रोगी का पौष्टिक पो, आहार फिर अगला जो टॉपिक है आपका अगली यूनिट जो है वो है गृह प्रबंधन इसमें आपको पढ़ना है पारिवारिक यंत्र व्यवहारिक भौतिकी उपभोक्ता एवं बाजार आंतरिक डिज़ाइन संस्थागत प्रशासन एवं प्रबंधन का सिद्धांत पारिवारिक घर और घर की बनावट इन सबको आपको गृह प्रबंधन के अंतर्गत पढ़ना है नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट यूनिट है वो आपकी है शिशु विकास शिशु विकास के अंतर जो आपको पढ़ना है वह है मानव विकास के सिद्धांत मानव विकास का इतिहास और नियम प्रारंभिक शिशु की शिक्षा स्कूल जाने के योग होने के पूर्व बच्चे का विकास ये आपको शिशु विकास में पढ़ना है फिर है आपका अगली जो यूनिट है वो है वस्त्र एवं परिधान परिधान के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तत्व भारत के पुराने परिधान परिधान की डिजाइनिंग एवं कपड़े की संरचना वस्त्रों का रंगना एवं छापना काटना एवं सिलना ये सारी चीज़ें आपको वस्त्र एव वस्त्र प्रदान के अंतर्गत पढ़ने हैं यानी कि जब आप वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसके तंतुओं के बारे में रेशो के बारे में पूरी डीप नॉलेज इसमें आपको पढ़नी ही है ये छोटा छोट देखने में भले ही छोटा लग रहा है वस्त्र व परिधान लेकिन छोटा है नहीं इसके अंतर्गत आपको बहुत डीप नॉलेज यानी क्योंकि इसका जो पेपर आता है पी जी टी होम साइंस का वो काफ़ी जो है डीपली जो है नॉलेजों को पूछा जाता है नेक्स्ट है आपका प्रसार शिक्षा प्रसार शिक्षा के मैं अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वो है प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्षेत्र और दर्शन सामुदायिक विकास योजना प्रोण एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रसार शिक्षा की विधियाँ शोध यंत्र एवं तकनीक और प्रारंभिक सांख्यिकी प्रारंभिक सांख्यिकी के बारे में भी इसमें पूछा जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको आपके पीजीटी होम साइंस के सिलेबस के अंतर्गत पढ़नी है अगर आप लोग को वीडियो दोस्तों मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू